प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मैं हूं काविश अजीज और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की बताई हुई अच्छी बातों को हमें अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए और उन रास्तों पर चलना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा की आदत है शिलान्यास पर शिलान्यास करना। मुलायम और अखिलेश के जो भी काम हुए हैं बीजेपी उन पर फीता काट रही है। वहीं उन्होंने कुशीनगर एयरपोर्ट की बात करते हुए कहा कि उसका भी शिलान्यास समाजवादी पार्टी की ने किया था, जिसका पुनः शिलान्यास भाजपा सरकार करने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में कितने काम किए हैं। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर राजधानी लखनऊ के लालबाग स्थित वाल्मीकि पार्क में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उनके खाते में हो। जो काम किया वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने किया। उन्हीं कामों पर उद्घाटन करना, उनका फीता काट करके उद्घाटन करना, शिलान्यास का शिलान्यास करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है। और कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है उसका भी भूमि पूजन शिलान्यास समाजवादी सरकार में हुआ था। अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने वहाँ के तत्कालीन मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी द्वारा ये बताया गया कि भूमि पूजन उसकी शुभ घड़ी समाजवादी सरकार में हुई और उसका पैसा उसकी ज़मीन का इंतजाम माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया। ऐसे में अखिलेश यादव जी के कामों को अपना काम बताना निश्चित रूप से ये दोहरी मानसिकता का परिचय है। देखिए, 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव ने जो काम किए आज जनता उनको याद कर रही है। चाहे सड़कों का विकास हो, चाहे पुलों का निर्माण हो, चाहे अस्पतालों का विकास हो, चाहे शिक्षा मंदिरों का विकास हो, चाहे शिक्षा संबंधी लैपटॉप का मामला हो, सारे मामलों पर समाजवादी पार्टी सरकार के कामों को आज जनता याद कर रही है। समाजवादी सरकार में 108 एम्बुलेंस चला करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने करोड़ों लोगों की जान बचा दिया, करोड़ों लोगों की, और 102 एम्बुलेंस चलाकर लाखों महिलाओं के जीवन को सुधार दिया। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 10-90 योजना चलाकर महिलाओं के साथ हो रहे छेड़छाड़ की घटनाओं में त्वरित गति से व्यवस्था को दिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 डायल, जो हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं था, दुनिया का एक ऐसा जो हमारे समाज को तत्काल न्याय दिलाने का काम करता है, वो 100 डायल माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू करके उत्तर प्रदेश को दुनिया के पैमाने पर खड़ा किया। उन्हीं कामों को भारतीय जनता पार्टी अपना काम बतावे, इससे जनता पूरी तरीके से जान गई है कि बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है, बीजेपी जो कहती है वो नहीं करती है। कहाँ महंगाई 90 दिन के अंदर कम कर देंगे, महंगाई कहाँ पहुँच गई, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, रसोई गैस का दाम, खाद का दाम, बिजली का दाम, पढ़ाई का दाम, दवाई का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी वादा करती है कि हमने महंगाई कम कर देंगे। किसानों की फसलों का मूल्य नहीं दे रही, कहा था कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, हम किसानों का लागत से डोढ़ा देंगे। आज किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, आत्महत्या करने पर मजबूर है। नौजवानों को रोज़गार देने की बात किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रोज़गार छीन लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक जो मेरी जानकारी है, केवल संविदा कर्मी मनरेगा के मजदूरों की गिनती करके ये बताना कि हमने लोगों को रोज़गार का प्रबंधन किया है बहुत ही हास्यास्पद बात है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।